नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस के एक सांसद के घर से इतने नोट बरामद हुए कि छापा मारने पहुंची टीम खुद हैरत में पड़ गई। नोटों का जखीरा देखकर आयकर टीम के सभी सदस्यों की आंखें फटी की फटी रह गईं। मामला शराब कारोबारी और झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू का है। आयकर विभाग की टीमों ने सांसद के रांची, लोहरदगा, कोलकाता और ओडिशा स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी में इतना कैश अधिक मिला कि आधे की गिनती होने से पहले ही नोट गिनने की मशीन ठप पड़ गई, जिसके बाद और मशीनें मंगानी पड़ गईं। बताया जा रहा है कि कुल रकम 300 करोड़ के आसपास है, जिसमें से अब तक 150 करोड़ रुपये गिने जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक यह सारा कैश सांसद के ओडिशा स्थित बोलांगीर के ठिकाने से बरामद की गई है। यहाँ पर सांसद धीरज साहू और उनके परिजनों की शराब कंपनी है। इस कंपनी का ओडिशा में शराब बनाने का कारोबार करीब 40 साल पुराना बताया जाता है। सांसद के पिता बलदेव साहू के नाम पर इस ग्रुप का नाम बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज रखा गया है। वर्ष 2018 में धीरज साहू ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपये घोषित की थी। कहा जा रहा है कि उसी समय से कांग्रेस सांसद आयकर विभाग के रडार पर आ गए थे। ताज़ा छापामारी पुख्ता जानकारी के आधार पर की गई बताई जा रही है। आयकर टीमें सीधे बोलांगीर स्थित बॉर्ड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड और इससे जुड़े परिसरों में एक साथ पहुंची। इसके बाद जब तलाशी का काम शुरू हुआ तो बिस्तर से लेकर अलमारी तक हर जगह नोट ही नोट नजर आए। आयकर टीम अपने अनुमान के मुताबिक नोट भरने के लिए 150 से अधिक बैग साथ लेकर गई थी, लेकिन बैग कम पड़ गए तो बरामद नोटों को बोरिए में ठूस ठूस कर भरा गया। इसके बाद इस कैश को बैंक ले जाने के लिए ट्रक का सहारा लिया गया। ऐसी चर्चा है कि अब इस रकम को लेकर कांग्रेस सांसद और उनके परिजनों से पूछताछ की जाएगी, जिसमें आयकर के साथ ईडी की टीम भी शामिल हो सकती है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।